नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। राजस्थान के सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल। सीएम अशोक गहलोत की ओर से शनिवार को सीकर में दिए गए बयान से सियासी पारा चढ़ा दिया है। एकजुटता के तमाम दावों के बावजूद गहलोत पायलट की सियासी अदावत जग जाहिर है, लेकिन सियासी बगावत का चैप्टर क्लोज होने के बाद ये पहली बार है जब गहलोत ने सीधे तौर पर सचिन पायलट के सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। बीते लंबे समय से गहलोत पायलट के बीच कोल्ड वार तो चल ही रहा था, लेकिन खुले तौर से एक दूसरे का नाम लेने से परहेज किया जा रहा था। अब तक दोनों इशारों ही इशारों में एक दूसरे पर तंज कस रहे थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से महज सवा साल पहले ये लक्ष्मण रेखा टूटती हुई नजर आ रही है। सीएम गहलोत हमला तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बोल रहे थे, लेकिन बयान की सुई शेखावत के साथ सचिन पायलट पर भी घूम गई। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ दिनों पहले सचिन पायलट से चूक होने का बयान दिया था। इस पर सीएम गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि इससे प्रूव हो गया कि सरकार गिराने की साजिश में आप सचिन पायलट के साथ मिले हुए थे। सीएम गहलोत का ये बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई।